क्या प्रोजेक्ट है, क्या थीम है और जो कास्टिंग किया आपने? बाकी अग्रजी तो पहले से काफी पॉपुलर है इंडस्ट्री में, और जो नए जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो लीड मेल आर्टिस्ट, उनके अंदर ही सबसे पहले भोजपुरी दर्शक नमस्कार है। मैं भोजपुर से पिक्चर्स करने का कंप्लीट हो गया 11 साल पहले आ गया। यही दिनेश लाल यादव पाकी हेगड़े के लेके कैसा कहीं दोहरा से पैक हो गया, पिक्चर से शुरू हो गया भोजपुर में मेरा लाइफ। वहाँ से सिवा आखिरी रास्ता निर्माण सब बहुत फिल्म किया, अभी तक 13 फिल्म कंप्लीट हो गया। दर्शक लोग बहुत मेरे को रिसीव किया, इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनके बाद दिनेश लाल यादव के नहीं है, परवेश लाल यादव से भी मैं 2 फिल्म किया, हीरो टाइगर। उनके बाद अवधेश मिश्रा को लेके उनको भी हीरो बनाया, विलन प्रेम कहानी। उनके बाद गोलू के लेके भी किया, सुना ससुर जी, रितेश पांडे के लेके किया काशी विश्वनाथ, आज निशान खान नाम बोल के एक छोटा हीरो के लेके पिक्चर बना रहा हूँ। उनके बाद सेकंड इनिंग ज़्यादा साल के बाद पाकी हेगड़े से मेरा कॉम्बिनेशन में पिक्चर कर रहा, बहुत मजा आ रहा। क्या है ना, पुराना हीरोइन है मेरा, बहुत खुशी बात है ये। वो पूछा मैं करेंगे हम लोग सेकंड इनिंग करेंगे बोले तो वो ठीक बोला, मैं करने को तैयार हूँ, अब जैसे डायरेक्टर पूछे तो मैं करेंगे। सब्जेक्ट भी ऐसे है ये, इसमें वो कर रहा है ये एक मेन रोल है, ये इनका साथ कर रहा साउथ हीरो शिवशंकर, उनका नाम ये सब्जेक्ट लिखा हूँ। आज भोजपुर का स्थिति सब लोग जानते हैं कैसे है ये, सब नीचे गिर गया इंडस्ट्री है। कम से कम अच्छा फिल्म किया तो लोग देखने का आएगा, थिएटर खराब है वो है सब लोग बोल रहा है, सच बात है ये, लेकिन हम लोग अच्छा किया तो लोग देखेगा। सर आपने साउथ के एक्टर को लिया है और एक भोजपुरी एक्टर को लिया है, एक्चुअली भैया इसमें क्या है ना, घंटा श्रीनिवास राव नाम बोल के प्रोड्यूसर था इसको, वेंकटेश्वर राव नाम बोल के दोनों पार्टनर है ये, वो लोग साउथ पिक्चर्स करते रहता, ये हीरो वो लोग का दोस्ती है ये, अच्छा दोस्त है। तेलुगु में शिवशंकर जी बहुत फिल्म्स किया, उधर नाम है उनको। एक दिन एक्चुअली मैं डायरेक्टर बन गया तेलुगु में, उसको कारण यही प्रोड्यूसर घंटा श्रीनिवास राव है ये, एक ऑफिस के लेके आप जैसा प्रोड्यूसर को इंट्रोड्यूस किया मेरे को, या अच्छा डायरेक्टर है डायरेक्शन दो, उनको जैसे मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। सर बहुत बड़ा प्यारा टाइटल है, प्रोडक्शन नंबर वन, प्रोडक्शन नंबर वन, ये टाइटल सुपर डुपर हिट ऐसा नाम ही है, या प्रोडक्शन ही नंबर वन नहीं, प्रोडक्शन नंबर वन। आजकल क्या है ना, कितना टाइटल सोच लिए हम लोग, जाएगा उधर एक टाइटल बोल दिया तो टाइटल है रजिस्ट्रेशन में, ये स्थिति भोजपुर में बहुत बुरा है ये। सुपर कुछ भी टाइटल, ये जाना चाहूँ कि मतलब साउथ से बिलोंग करते हैं आप, साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के में आने का क्या मकसद रहा है आपको? एक्चुअली साउथ में मैं फिल्म किया हूँ, उनके बाद दिनेश लाल यादव को लेकर एक फिल्म किया, दर्शक लोग मेरे को बहुत रिसीव किया। उनके बाद दिनेश लाल यादव मेरे को नहीं छोड़ा, मैं दिनेश को भी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू सब फिल्म हिट है, हिट हिट हिट, साल में 3 पिक्चर करो, दिनेश जी कभी पूछे तो भी डेट दिया, मैं भी उनका पिक्चर लेके खाया। उनके बाद क्या है, तेलुगु करने को टाइम नहीं मेरे पास ये, अभी मैं भी सोच रहा हूँ कितना साल इधर काम किया, अभी तेलुगु क्यों मिस किया, आप पूछे ना, आज सोच रहा हूँ मैं। तो ये कहना चाहेंगे कि ज्यादा सहयोग आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से मिला है वहाँ के मुकाबले अगर देखा जाए तो? जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, नो डाउट एट ऑल, तेलुगु से बहुत बड़ा इंडस्ट्री है भोजपुरी, इसके लिए मैं इधर बैठी हूँ। खराब हो गया बोले तो हम लोग खराब कर दिया इंडस्ट्री को, कोई नहीं किया, हम लोग खराब कर रहा हूँ भोजपुरी का, क्या ना आज इतना नीचे गिर गया, बिजनेस नहीं कुछ भी नहीं, कोई थिएटर को नहीं आ रहा देखने को बोले तो कारण कोई नहीं है, हम लोग हैं। सर साउथ के रीजनल इंडस्ट्री से आप बड़ा इंडस्ट्री मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? करेक्ट है, साउथ से एक्चुअली सही बात बताया तो मैं इधर आके भोजपुरी करने के टाइम पर भोजपुरी छोटा है, आज साउथ में सब बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, साउथ प्रोड्यूसर्स हीरोस सब बोलते हैं भोजपुरी बड़ा है ये। क्या है ना उधर रिटर्न्स है, इधर पैसा लगाए तो तेलुगु में रिटर्न नहीं आएगा। क्या है ना 2 करोड़ 200 करोड़ का फिल्म बना रहा उधर, बड़ा बड़ा हीरोस बना रहा, आज छोटा फिल्म से चल रहा है। क्या है ना वो लोग सब्जेक्ट का ऊपर बैठते हैं, सब्जेक्ट तैयार हो गए के बाद हाँ ये जमेगा लोग को, उनके बाद पिक्चर बनाते, इधर ऐसा नहीं है। आज क्या है देखो, एक हीरो हो जाओ दूसरा हो जाओ, वो दोनों को ले लिया तो 10 लाख आएगा सैटेलाइट ऑडियो वीडियो, 15 लाख आएगा ऑडियो वीडियो, उसका ऊपर डिपेंड होकर ये लोग पिक्चर कर रहा, प्रोड्यूसर हो जाओ डायरेक्टर हो जाओ,
लेकिन ये सब्जेक्ट ये हीरो बैठ रहा, नहीं तो मैच हो रहा नहीं हो रहा ये नहीं देख रहा। करेक्ट बात है, प्रोड्यूसर का बात तो सही है, क्या है ना पैसा लगा रहा, उनको पैसा रिटर्न चाहिए। साउथ के और जो प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री माना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस भोजपुरी आज साउथ लोग क्या कर रहा है ना, भोजपुरी ये दोनों साउथ वाले हैं, ये उनको विश्वास है अच्छा पिक्चर हम लोग बनाए तो लोग देखेगा, अच्छा नहीं बनाए तो कैसे देखेगा। सर आपसे चाहूंगा आप ये करते हैं सर के बारे में और ये प्रोजेक्ट के बारे में आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खास वजह होगी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए? ये सवाल मेरे लिए है तो सबसे पहले तो आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम, कैसे हैं आप सभी मेरे मालिक मेरे दोस्त। बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर सुब्बा राव जी, नाम ही काफ़ी है हमारे इंडस्ट्री में, खास करके तकनीकी रूप से जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है और कलाकारों के साथ काम करते वक्त जो तजुर्बा इनके पास है और वो कलाकारों से आउटपुट लेते हैं, इस मामले में मैं समझता हूँ कि बड़े गिने चुने हमारे निर्देशक हैं इंडस्ट्री में। ये जो पीछे पोस्टर आप सभी देख रहे हैं, एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनने जा रही है। मैं बता दूं कि आदरणीय सुभाष सर के साथ ये तीसरी फिल्म है मेरी, इससे पहले दिलेर सुनो ससुर जी में काम किया था मैं इनके साथ। निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा मेरे मालिक मेरे दोस्त कि जब जब भी इनके साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिलता है तब तक एक कलाकार के हैसियत से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और कहना चाहूँगा आखिरी में शुभकामनाएँ भी हैं हमारी और ईश्वर से दुआएं भी हैं कि पिक्चर बहुत अच्छा बने, खास करके इन्होंने फिर एक बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए, एक साउथ के जाने माने स्टार और एक हमारे भोजपुरी के उगते हुए सूरज दोनों साथ हैं, उसमें अभिनय की महारानी पाखी हेगड़े जी और भी तमाम हमारे संजय वर्मा उग्र भाई लोग काम कर रहे हैं। तो एक कलाकारों का एक जो इन्होंने समूह तैयार किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मेरे मालिक मेरे दोस्त मजा आएगा इस फिल्म को देख के। तो आइए आप सभी से अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर बन रही है, आप सभी इस पिक्चर के लिए दिल से अपना दुआ आशीर्वाद दुलार प्यार बनाए रखिएगा मेरे मालिक मेरे जरूर चाहिए। सभी को मेरा प्यार नमस्कार और सलाम। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स दूंगा सुब्बा सर को कि उन्होंने मुझे कास्ट किया अपनी इस फिल्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं भोजपुरी में कम से कम 5-6 फिल्म कर चुका हूँ और मैं खुद ढूंढ रहा था कोई ऐसे निर्देशक के साथ काम करूँ जिसमें मैं अपनी प्रतिभा को दिखा सकूँ। और थैंक्स टू राव सर जो किसी नाम के मोहताज नहीं, वो भी तेलुगु के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो इस समय हमारे पास मौजूद हैं, थोड़ी देर में आप लोगों से भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सुब्बा सर को और राव सर को कि उन्होंने बिलीव किया कि मैं भोजपुरी का एक ऐसा लड़का हूँ, एक ऐसा एक्टर हूँ जो उनके इस करेक्टर में फिट हो सकता हूँ। साउथ की स्टार कास्ट के साथ काम करेंगे आप? या ये मेरा सौभाग्य है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे जहाँ काम मिलेगा मैं करूँगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। पाखी जी एक लेजेंडरी है यहाँ की, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सर आपका बैकग्राउंड चाहूँ, क्या बैकग्राउंड एक्टिंग में, कैसे आना हुआ और क्या प्रोजेक्ट किया पहले उसके बारे में बताइए। बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मली जो भोजपुरी के स्टार्स होते हैं या एक्टर होते हैं वो सिंगर होते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ। और डांस का शौक था तो मैंने एक महुआ टीवी पे एक रियलिटी शो आया था नाच नचिया धूम मचिया, उसमें मैं विनर था, मैं सेकंड प्लेस पे था। तो उसके बाद से मेरी जर्नी भोजपुरी इंडस्ट्री में चालू हो गई और धीरे धीरे करते मैं एक एक्टर का रूप ले लिया। तो ये बताइए ये जो फिल्म में रोल प्ले कर रहे हैं पाखी हेगड़े जी भी है, क्या बेसिकली रोल है और क्या थीम क्या बेसिकली इस फिल्म का? ये थीम तो आपको फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगी, बट इतना है कि फिल्म में बहुत मसाला है। और जैसा कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं मंटू भाई और नीलम जी भी आई हुई हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मेरे सर ने आप लोगों को बता दिया है, तो इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है स्टोरी की वो सर ही ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। मसाला वेज है कि नॉन वेज है? दोनों है, मंगल बृहस्पति और शनिवार को आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। नहीं इसमें साउथ वाला का छोटा भाई है, ये शिवशंकर का भाई है, इसमें ये फर्स्ट ऑफ में डरबोक कैरेक्टर है, इंटरवल में डरबोक कैरेक्टर है, ये फाइट करने का डरते हैं
कुछ हम लोग शॉटिंग से चिल्लाया उनको डरते, ऐसा कैरेक्टर इंटरवल में खे हूँ, इतना हिम्मत से कैसा आ गया हिम्मत ये उनको, वो दिखाते हैं उनका ताकत है। निशा जी, सुबह जी तो बाकी काम कर चुके हैं, आप अभी पहला काम कर रहे हैं, कितना नर्वस हैं? नर्वस भी हूँ क्योंकि बहुत लेजेंड डायरेक्टर हैं सर और बहुत कुछ सीखना है इनके साथ, और इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जब मैंने अपना डांस का करियर स्टार्ट किया था उस समय मैं इनकी फिल्म में एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर गया था, दिलेर फिल्म थी, सर डायरेक्ट कर रहे थे रवि जी को, और सर ने बोला था कि तुम कुछ करोगे तो हो सकता है शायद सर की बात वो सच हो गई और आज मैं ऐसे स्टार सर के साथ काम कर रहा हूँ। इनके बाद आज मौका मिला इनको, इज़ माई लक। पाकी जी को क्या कर रहे हैं? पाकी जी बहुत अच्छी हैं, वो भी मैं जब मेरे एक रियलिटी शो में मैं पार्ट किया था तब वो एज ए गेस्ट बन के आई थी और वहाँ भी उन्होंने मुझे ये भावना दी थी कि तुम कुछ आगे अच्छा करोगे, तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार है कि मैं आज इतने लीजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। मेरा भी नेक्स्ट मंथ मेरी फिल्म कम्प्लीट हो जाएगी नकली नवाब, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है रावड़ी धाकड़ सिंह, और एक फिल्म आ रही है सास नंद भौजाई, और इसके बाद ही आई थिंक मेरी ये फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 नए टाइटल के साथ रिलीज हो जाएगी। सुपर जी, पाकिंग के लिए कमबैक हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कुछ प्लान किया है उसके साथ? प्लान मतलब यही है, सोचिए ज़्यादा साल के बाद हमका दोनों कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन है पाकिंग जी का। 10 साल नहीं है, अभी हो गया 6 साल ऐसा कुछ हो गया है, ये करके फिर कॉम्बिनेशन में री एंट्री हो रहा हूँ। वो री एंट्री में पाकी हेगड़े को मैं दिखाना चाहता हूँ, कैसे दिखाए तो लोग फिर पसंद करेगा। आज भी पाकी हेगड़े को देखने को लोग ही है, ये मैं किया तो देखेगा 100%, ऐसा कहाँ दिखा हूँ, अभी कल रिलीज हो गई तो मालूम पड़ेगा मैं क्या किया, गलती किया नहीं तो सुबह जी सही किया। आप लोग भी बोलते हैं पिक्चर देख कर सुबह जी वो दिन बोल दिया क्या है, लेकिन अच्छा है ये, हम लोग बहुत मन से कर रहा हूँ, मन से लिखा है, सब अच्छा कर रहा हूँ। हिट फ्लॉप ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, ये हमका हाथ में नहीं। फिल्म शूटिंग कब से स्टार्ट होगा, कहां करने वाले हैं? मार्च 20 से शुरू हो जाएगा ये शूटिंग, श्री गौरी क्रिएशंस का प्रोडक्शन नंबर 1। अप्रैल 20 को खत्म हो जाएगा ये शूटिंग, साउथ में करेंगे। कहां पे? नीलम जी, क्या नाम? आप क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं ये तो सुबह जी बताएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ कर क्या रही हूँ ये तो सुबह जी बताएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ कर रही हूँ। और मेरे जो उनका जो है तलवार लेके दौड़ती रहती हूँ वही। किडनैप करने का प्लान चल रहा क्या? नहीं, किडनैप तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अगर हर चीज बता दिए तो फिर। सुबह जी जरा कुछ ना कुछ फैसला करिए। फाइनल हो गए तो इधर बैठेगा, फाइनल नहीं हो तो क्यों बैठेंगे। बट एक्चुअली बिगिनिंग से क्या है, सुबह जी पिक्चर कर रहा बोले तो आर्टिस्ट को मैं ये कैरेक्टर है आप करना पड़ेगा, ओके सुबह जी मैं करेंगे। सुबह जी तो उसमें क्या करते है खाली हम लोग को कि 2 सीन है, 3 सीन है, नहीं तो 1 सीन है, नहीं तो करेंगे एक्टिंग नहीं है, बुलाया टिकट डाल दिया उधर आ गया बैठ गया। मैं सुबह जी की अपनी खुद की भोजपुरी की दूसरी फिल्म थी मेरी हीरो, पहली थी एक बिहारी सौंपे बारी, तब से सुबह जी के साथ जुड़ी हूँ, हीरो बैक टू बैक टाइगर, और अभी सुनो ससुर जी के लिए भी आया था तो नहीं दे पाए टाइम, तो अभी बहुत दिन बाद वापस हम लोग जुड़े हैं, कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेंगे। पाकी जी फिल्म से जुड़ी है, कुछ कहना चाहेंगे? खुशी हो रही है, पाकी जी के साथ तो बहुत किया है काम मैंने, लेकिन अब जो वो दोबारा आ रही हैं और एक अच्छी कलाकार जब सामने होती हैं तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमको भी काउंटर देने का मौका मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है जब आमने सामने कलाकार अच्छे हों। सुबह जी को कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। कैसे नहीं, बहुत सही सर, इतना प्यार हो गया है जब से मैं वो फिल्म करके, कौन सा फिल्म करके आते सर, काशी विश्वनाथ सर के सारे फिल्म किया काशी विश्वनाथ, वहाँ से मैं इटली और वो सांभर का इतना बड़ा प्रेमी हुआ, मैं नाश्ते में मुझे इतना पसंद आता है इटली और सांभर, मैं आज भी इसे शान के से खाता हूँ। तो ये प्यार है। सुबह जी के नए प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और नो डाउट सुबह जी के साथ है तो कहने कोई बात नहीं। और
जी हाँ, निसार जी को बहुत बहुत बधाई। और भाई मंटू जी की देखिए सौभाग्य की बात है, मैं इंडस्ट्री में निसार भाई के साथ ही नहीं काम किया, मंटू भाई के साथ अभी तक काम नहीं किया था और पाकी जी के साथ भी नहीं काम किया था। मेरे सौभाग्य की बात है सारे लोग के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जी इतने दिन से इंडस्ट्री में लेकिन पाकी जी के साथ कोई काम नहीं किया था। जी कॉमिक ही करेक्टर है बस, बाकी ज़्यादा कुछ बताया नहीं। सुब्बा जी बोले कि आप चले आओ फिर मैं बाद बताता हूँ, तो इतना बताया कि भैया उससे बढ़कर कैसे बोलते भैया। एक्चुअली सब आर्टिस्ट पैक करेंगे, डेट देंगे, ओरिजिनल बात है तो लोकेशन का आएंगे। लोकेशन का आने के बाद ये लोग को गेटअप कुछ चाहिए, मैं ये लोग को गेटअप वजह से बताता हूँ, ऐसा हेयर छोड़ दो मैं कटिंग करेंगे आपको लोकेशन में, ऐसा है ये उधर आने के बाद बताएंगे मैं ये कैरेक्टर है आपका। वर्मा जी होली आ रही है, कुमारी जो है जी, इनकी गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों नहीं जी, उनके लिए क्या वेदना है? बस हमारी तरह डबल चले, अभी हमारा एक होली में आ ही गया है, मेरी बीवी खुद ही लिफ्ट नहीं दे रही है तो अब दूसरे के लिए मैं क्या उपाय करूं, तो अभी हमने सोचा है कि लौंडा डांस। तो होली देखिए भैया सबसे आसान है, खुद साड़ी पहन के खुद एंटरटेनमेंट करें, नो रिस्क विदाउट रिस्क। पानी के साथ खेलना चाहिए? नहीं सर पानी क्या, देखिए आप सपोज मैं रंग लिया हूँ, सपोज महसूस करिए एक रंग लग रहा था, नहा लीजिए, होली हो गया, होली होली होली, किसी चीज जरूरत नहीं, कम खर्चे में अच्छा उपाय। लेकिन बड़ा रोमांटिक महीना होता है भैया, कहा है देखिए, अब एक कहावत है गांव में, सर पर से बाल तो चल गई, अब लाठी खेबा कहा। अभी प्यार का हफ्ता खत्म हुआ है जी, प्यार का हफ्ता पिछले हफ्ते खत्म हुआ है। अरे भैया जिन कुछ कही एक बार हम भी फंस गए थे। वो किस डे होता है हम समझ ही नहीं पा रहे थे किस, है ना, किस ऐसे कुछ करके बोल रही थी, चॉकलेट दे, हाँ भाई किस डे हम फंस गए थे, और वो बोले किस, तो हम कहे हाँ जी किस, किस हम कहे किस, बाद में एहसास हुआ किस डे हम साला बुर्बक आदमी किसे नहीं कर पाए। दोबारा मौका नहीं मिला। अब देखिए सर अगर कहीं मान लीजिए अब तो सर के ही साथ है तो कहीं मौका लग जाए तो। सुना था भाभी जी के साथ भी आप फंस गए थे, आप ससुराल गए थे। जी 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 जी, वो आपसे सवाल करने लगी किस लिए, आपने बोला हाँ बहुत किस लिए। यही आपने पोल खोल दिया भाई, वही तो लफड़ा हुआ था, उसी किस के चक्कर में तो पिटा गए थे। ठीक है अभी वो लोग को बुलाइए। सर फिल्म के बारे में आपने क्या क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में क्या बोलना, फिल्म के बारे में प्रोडक्शन नंबर 1 है, श्री गौरी क्रिएशंस नाम पे, ये हिंदी में भोजपुरी में फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट मूवी था, अभी नाम फाइनलाइज नहीं करे। फर्स्टली वो पाकी एक डे को थैंक्स बोलना, हमारा सुब्बारा साहब जाके खोलने के बाद इमीडिएटली एक्सेप्ट करे उन सेकंड इनिंग्स के लिए, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स गैप आ गया हूँ। हमारा शिवशंकर वो तेलुगु में बहुत एक्सपीरियंस था, पिक्चर्स 2-3 पिक्चर्स हो गए मेरा प्रोडक्शन, इसके पहले आर्टिस्ट था हूँ मैं, हमारा श्रीनिवास घंटा श्रीनिवास बोल के दो मूवी निकाल दिया, एक मूवी लास्ट ईयर आ गया, एक मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, डबिंग भी हो गया। उसके बाद सुब्बारा साहब मिला, सुब्बारा साहब आए तो आके ये भोजपुरी का बोला मेरे को, बोलने के बाद मेरे को स्टोरी पसंद है, बहुत पसंद आ गया, इसलिए इमीडिएट स्टार्ट कर रहे वो भोजपुरी। आप बोल लेते हैं भोजपुरी बोलने का नहीं, सब्जेक्ट बोल साउथ से। पूरी फिल्म बनाने कैसे सोचा आपने? तेलुगु में रामानायडू साहब एक इंटरनेशनल पूरा लैंग्वेज में पिक्चर्स बनाए हुए, उनको एक पिक्चर बस गया, वो पिक्चर का सुब्बारा साहब डायरेक्ट किए, हमारा तेलुगु इंडस्ट्री में रामानायडू साहब। मेरा सवाल आपसे है, साउथ फिल्में जो होती हैं तमिल और तेलुगु बहुत एक्शन भरी होती हैं, हाँ एक फाइट हीरो मारता है तो खलनायक चार बार चलता है, उस तरह से कुछ मसाला भोजपुरी में अच्छे क्यों नहीं मिल रहा है जबकि हमारे प्रोड्यूसर साउथ के ही हैं, तो क्या इस तरह से कुछ नया देखने को मिलेगा भोजपुरी दर्शकों को? ये पिक्चर में मिलेगा, ये फिल्म देखने के बाद बोल सकते हैं एक्शन फिल्में बन रही है साउथ में, अगर उस तरह से कुछ भोजपुरी में भी आ जाए तो मेरे को अच्छा। पसंद क्या है, बजट कंट्रोल में था भोजपुरी में, हमारा साउथ इंडियन लैंग्वेज में बजट कंट्रोल नहीं था,
ये भोजपुर में बहुत कंट्रोल में था पिक्चर्स। ये एक पिक्चर में नहीं है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तैयार है, तैयार करके आया मैं तैयार करने का भोजपुर में निकलने का मूवी। क्योंकि आपका एक्टर जो है वो भी एकदम नवयुवक है, एकदम नई एज का है, तो कहीं ना कहीं सूट करेगा, साउथ से मिलता जुलता बंदा है वो, तो एक्शन सीन फाइट सीन देखने को मिलेगा भोजपुर दर्शकों को। ये जरूर चलिए और कुछ थिंग्स को करना चलिए। थैंक यू सर। सर आपका कहना चाहेंगे प्रोडक्शन प्रोडक्शन नंबर 1 की टीम के लिए सुपारी जाओ सर प्रोड्यूसर्स के लिए बोलिए क्या शुभकामनाएं आपकी हैं प्रोडक्शन नंबर 1 के लिए। मेरा नाम तो घंटा श्रीनिवास है, मैं तेलुगु फिल्म बहुत बनाई है, एक फिल्म को मेरे को स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड भी आया है, सीन वाइटला बोल के डायरेक्टर और रवि तेजा बोल के रवि तेजा को पहले बार इंट्रोड्यूस किया तेलुगु में, फर्स्ट मूवी उसको डायरेक्टर को और हीरो को मैं इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत बहुत अच्छा तरह से फिल्म आया, बहुत अच्छा तरह चले है। तो साउथ के और एक्टर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आना चाहें और फिल्म बनाना चाहें एक्टिंग करना चाहें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये भोजपुरी हिंदी के बाद बहुत बड़ा मार्केट है, इसको अभी तक क्यों ऐसा है बोलते बोल के मेरे को मालूम नहीं, अभी मैं वो इतना मार्केट है पूरा टच करेंगे, पब्लिसिटी बिल्कुल बराबर प्यार से पब्लिसिटी भी करेंगे भोजपुर के बारे में, पब्लिसिटी पूरा देने के बाद रिलीज करेंगे, वो पूरा प्लान लगाएंगे, पब्लिसिटी ऐसा बनाएंगे, फिल्म ऐसा रिलीज करेंगे, ये फंक्शन ऐसा करेंगे, तेलुगु में जैसा करते हमें ये पूरा इसमें करते तो जरूर फिल्म हिट हो जाते। साउथ साउथ कैरियर में भोजपुरी के लोग समझे जाने फिल्में देखें उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने क्या कुछ साउथ में भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग जाने फिल्में देखें उसके एडवर्टाइजिंग के लिए आपने क्या कंसेप्ट? वही बोल रहा हूँ मैं, इधर बराबर पब्लिसिटी नहीं दे रहे बराबर, तो क्या इसको साउथ में भी डबिंग करेंगे? हाँ वो कैसे भी करते हैं दो लैंग्वेज का, बिकॉज वी आर फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री नो, सो वो तो कैसे चलते ये अलग बात है, पर इधर इट शुड बिकम सुपर हिट, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू वी आर वी प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो 2020 में ही दर्शकों के बीच फिल्म आ जाएगी दिस फिल्म? यस पक्का। इसका शूट कब से चालू हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है? नंबर 1 इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग इन अ भोजपुरी फिल्म? या आई एम डूइंग फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, सो आई एम शिवा कंठम नेनी, नमस्ते, आई नीड योर सपोर्ट, एज आवर प्रोड्यूसर ऑलरेडी टोल्ड वी आर मेकिंग दिस फिल्म इन भोजपुरी, actually and in from south many producers they have come and they have produced lot of movies in Hindi as you all know, but somehow or Subbarao garu he came here and he settled as a director, he has done one Mr. Ramanaidu his movie Mughal Chakravarti in Telugu, he made in movie one movie in Indian Mughal, so he made in all languages, so our producers Ganta Srinivasrao garu Venkatesh Rao is there from the past 30 years in the industry. He has made lot of movies. As he said, he has won the Nandi Award also from state government. We as a team, we have produced some serials and telefilms also in for small screen. We have received more than 16 Nandi Awards. We made some social awareness programs also. So our intention also we make good movies at the same time with the entertainment. As somebody was asking, can you make fights, big fights, as Rajinikanth did? So that has come to almost all languages, everybody is doing now. Right? So there are some fights which look very natural and that will be good also, without ropes also. There are some fights with ropes which looks good. Whatever is required, the director, he will decide and he will produce. So what kind of role you are playing in the film? Is it a negative role? It's a positive role. I'm re-handling the lead character. Okay. And actually, in Telugu also, I'm doing lead characters only.
recently we made one movie, Raghav Reddy. Actually, Subbarao garu, he came to our movie's opening. Last year, August, we started one movie in Telugu. So he and our producer, they are good friends. Good old friends, rather. So that time, he has seen me and he has seen my old movies also. So he wanted me to come and act in Bhojpuri. So he has told me one story, so which suits me. That's why I said, okay, I will do it. And we should thank Faki Egde also. She's coming back. She was, I think, I was told she's a superstar. And I have seen her movies also. I've seen some Bhojpuri movies. But I've been liking the Bhojpuri music. Even we go for gym, we are going Bhojpuri party song, Bhojpuri top 50 songs. We have been listening. So, and one more thing I have observed here is all heroes are singers, which is not there in any industry. So it is special in Bhojpuri. Almost all heroes and heroines, they are singing songs. That's good. It was there some long back, 50, 60 years in the other industry, like Telugu also, everybody was to sing that time. Now it's not like that. One song can be sang by 2-3 people. But now, here, they're doing very lovely and lively, and they make some lively programs also, I heard. That's also very good. So basically, I'm a music lover. I've been listening to Bhojpuri songs. So, you don't have any problem in Bhojpuri? No, I can speak Hindi, so I can manage. I think I've traveled Batna, Samastipur, Majaffarpur. I was in Calcutta for some time. So I'm a well-traveled man. I've traveled all the world. At the same time, I traveled India also, in the almost corners. I can manage Bhojpuri. Thank you, sir. I think my second film is. इसके पहले मैंने काशी विश्वनाथ किया था इनके साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत लिमिटेड वे में बात करते हैं तो मुझे फर्स्ट टाइम इनके साथ जब काम किया था तभी से मेरा इंटरेस्ट की तरफ जगा था कि कुछ अच्छे गाने कर सकते हैं और उस फिल्म में हमने अच्छा गाना किया था. तो इस बार भी उन्होंने हम पे भरोसा रखा और फिर से एक बार दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे हों. एक गाना हमने रिकॉर्ड किया है कल ही, वो बहुत अच्छा हुआ है. हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के सारे गाने हिट हों. और मेरे हम लोग के लिए थोड़ा नया ये है कि साउथ से एक अच्छे स्टार आ रहे हैं और भोजपुरी में एक कम इन कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भी जो हीरो हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को शायद बहुत अच्छा लगेगा. और मुझे म्यूज़िक में भी शायद इन सभी बारीकियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बोथ ऑफ कैरेक्टर्स के दोनों पहलू के लिए मैं अलग अलग म्यूज़िक कर सकूं और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा. ओम जी, साउथ के स्टार काम कर रहे हैं और जी भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो दोनों का म्यूजिक का कॉम्बिनेशन देखना? नहीं, बात रही म्यूज़िक की तो भाषा तो है ही नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं. वो बस कान को अच्छा लगना चाहिए, मज़ा देना चाहिए. भाषाएं तो बाद में आती हैं, पहले रूह तक म्यूज़िक पहुंच जाता है. तो हम इस कॉम्बिनेशन को कोशिश करेंगे अपने म्यूज़िक से दूर करने का कि ताकि दोनों लोगों को अच्छा लगे. कभी ये भी मुझे फील हो रहा है कि शायद ये फिल्म अगर साउथ में भी डब हो तो वहाँ के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े म्यूज़िक में. तो थोड़ी सी इस बारीकियों को ध्यान रखूँगा कि वहाँ के म्यूज़िक में भी ये सेटल हो जाए. सो आई विल ट्राई डेफिनेटली टू डू इट. अरे तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका कमबैक है और वो बहुत बड़े स्टार रह चुकी हैं, अभी भी हैं. और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो कमबैक हो तो फिर से वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है. और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ काम करेंगे. एक अच्छे बैनर में तो काम कर ही रहे हैं और पाखी जी के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी. ओके, थैंक यू. मुझे लगता है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो हम लोग हमेशा तलाशते हैं, मुझे उसकी कमी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में नज़र आती है. जब भी हमने काम किया था, दिनेश जी के साथ में भी काम किया था, तो हमारे साथ में कई साउथ के डायरेक्टर्स अगर देखेंगे आप तो जुड़े, जिसमें सबसे पहला नाम जो जुड़ा था वो था जी वी गोसंगी सुब्बाराव सर का. और आई वुड से इट इज़ माई प्रिविलेज दैट आई गॉट टू वर्क विथ हिम, बिकॉज सिनेमा की समझ मुझे भी उस वक्त बिल्कुल नहीं थी. मैंने सिर्फ एक टेलीविजन शो किया था और उसके बाद में मेरी दो तीन फिल्में आई थी जिसमें आई हैड वर्कड विथ लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे टेक्निकली गुड फिल्म्स का एक्सपीरियंस सच में नहीं था जब तक कि मैं इनसे नहीं मिली थी. हमारी मूवी कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई कि शूटिंग पर हम कई सारी चीज़ें सीखे, लाइक टेक्निकलिटी हुई या फिर आप कहिए
फाइट हुआ या जितना वेरिएशन डांस में हमको देखने मिलता था, वो मुझे लगता है कि हमने इनकी फिल्मों से ही शुरू किया और वहीं से हमारे फिल्म्स ने अलग कलर लेना शुरू किया और हमारी फिल्में लाइक की जाने लगी। अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है एक अलग उत्थान अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लाया है तो उसमें साउथ का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग एक्ट्रेस आप बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी आज भी हमारी हिंदी फिल्में भी देखते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट ड्रिवन कहीं ना कहीं प्रेरित रहती है या साउथ के टेक्नीशियंस हमारे साथ में जुड़ते हैं तो फिल्में काफ़ी बड़ी बनती है। तो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवी कैसे कहीं तरह से प्यार हो गया, और हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद हमने कई सारी फिल्में की, शिवा हुई, निरवा मेल हुई, आखिरी रास्ता हुई, हर फिल्म ने एक नया वेरिएशन दिया और वो फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी थिएटर्स में। ऑलमोस्ट हम लोगों की अगर गिरते में फिल्में होती थी वो 5 हफ्ते कम से कम चलती थी, ये नॉइज़ बड़ा हुआ करता था। तो आई ऑलवेज लाइक दैट काइंड ऑफ सिनेमा वेयर इट इज़ कमर्शियल, क्योंकि लोग हमारे जो है ऑडियंस जो हमारे हैं वो निचले वर्ग के होने के वजह से उनको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारी थिएटर्स की इतनी कंडीशंस ख़राब होने के बावजूद भी बेचारे थिएटर में एकदम जुटे रहते थे और हमारी फिल्मों को देखते थे। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा सोशल मैसेज भी देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये फिल्में हमेशा औरतें भी घर में देख थी, फिल्में हमारी जो चैनल्स पे आती थी, और काफ़ी एंजॉय करती थी क्योंकि उसमें कॉमेडी भी भरपूर होती थी, फाइट भी भरपूर होता था, मनोरंजन भी अच्छा होता था, प्लस गाने और अगर आप टेक्निकलिटी देखेंगे साउंड फिल्में होती थी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट फिर से एक ऐसा मौका मुझे मिल रहा है इनके साथ में, और मुझे स्क्रिप्ट जब इन्होंने कही तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे होड़ में फिल्में करनी है, इसके लिए फिल्में नहीं करनी है, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है मैं ज़रूर करूँगी। परफॉर्मेंस वाइज कुछ मेरे लिए भी किरदार एक अलग वेरिएशन हो, और उसके अलावा सब लोग एंजॉय भी करें। तो सर ने मुझे एक स्क्रिप्ट बताई और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो स्क्रिप्ट, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा ये फिल्म से। बाकी जी प्रोडक्शन नंबर वन के प्रोड्यूसर साउथ से हैं जी, आपके बगल में स्टार कास्ट भी साउथ से हैं, भोजपुरी की स्टार कास्ट भी हैं जी, आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो इसमें जो है कुछ साउथ के रिएक्शन के किरदार आप करना चाहेंगे? हमने कई सारी फिल्मों में एक्चुअली किया भी है, मेरी वन ऑफ माय फिल्म जो रही है उसमें हम लोगों ने साउथ का किरदार, मेरा और एक हीरोइन भी हमने साउथ की ली थी, ऐसे भी काफ़ी सारे किरदार हमने निभाए हैं, और बीइंग अ साउथ इंडियन मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं साउथ का किरदार निभाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म को हम भोजपुरी में भी बना रहे हैं और तेलुगु में भी बना रहे हैं, बिकॉज तेलुगु एक बहुत ह्यूज मार्केट है। और जब हमने फिल्मों की शुरुआत की थी तो मुझे लगता है तेलुगु में हमने बहुत सारी फिल्में जैसे मगधीरा हुई या इस तरह की फिल्में देखते हम आ रहे थे, और उनको हम देखते देखते भी काफ़ी सारे थॉट्स लेकर हमारी फिल्मों में उनको ढालते थे। कई सारी फिल्में हमको लगती थी कि भोजपुरी का कॉन्सेप्ट लेकर भी वो लोग कर रहे हैं साउथ में, तो बड़ा मिश्रण रहा है। हमारी दोनों इंडस्ट्रीज जो है थोड़ी सी हिंदी सिनेमा से या हॉलीवुड से लाउड होती थी और लोग उसे पसंद करते थे उसके बाद भी, तो मुझे लगता है ये जो फ्लेवर हम अलग अलग देशों मतलब प्रांतों से लेते हैं वो जब एक फिल्म में आता है तो एक फिल्म बहुत पूरक फिल्म बनती है। तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत एंजॉयबल फिल्म रहेगी, आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। बाकी जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है, भोजपुरी का भी, मराठी फिल्म का स्तर बहुत बढ़ चुका है, अवार्ड्स बड़े बड़े ले चुका है और कमर्शियल बिजनेस भी अच्छा करता है, भोजपुरी में सब कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं और हम किसी एक अंग को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारी फिल्में, हमारे जो ऑडियंस है जो फिल्में देखती है, सबको ध्यान और मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखेंगे तो
मोर ऑफ जहाँ पर हमारी फिल्में दिखाई जाती है वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट से लेके, महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, फिल्में मल्टीप्लेक्स में कंपल्शन होता है कि रिलीज़ की जाए मल्टीप्लेक्सेस में, और वहाँ पे ऑडियंस जाके देख पाती है। हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी फिल्में जो है वो सिंगल थिएटर में दिखाई जाती है, जहाँ कोई औरतें क्या अच्छे घर के ब्यूरोक्रेट लेवल के लोग जो भोजपुरी फिल्में देखना पसंद करते भी हैं वो भी जा नहीं सकते। हम खुद जाते हैं तो हम हैरान रहते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ बैठते होंगे। तो कहीं ना कहीं थिएटर्स की कंडीशन हुई या सब्सिडी या टैक्सेशन रिबेट हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो एक फिल्म को थोड़ा सा बल देती है, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस उसकी वजह से फील की जाती है। और फिर फाइनली प्रोड्यूसर के लिए यही बचता है कि एक आप प्रपोजल बनाइए जिसमें हीरो इनको लीजिए, तो आपकी ये रिकवरी हो पाएगी। और कहीं कहीं वो गलत भी नहीं है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर बेचारा कहीं से पैसे लेकर यहाँ पर आता है, अगर वो निराश होकर चला जाता है, उसको पैसे कमाने नहीं मिलता, वो नेक्स्ट फिल्म बना नहीं पाता। तो अल्टीमेटली ये एक बेसिकली विशेष सर्कल है। तो आप जहाँ से शुरुआत करेंगे अगर आप वहीं पहुँच कर कुछ भी नहीं कमा पाए तो इंसान उससे भी हताश हो जाता है कि क्यों फिल्में वो फिर करें। बाकी जी भोजपुरी फिल्म में अमित जी जैसे कलाकार काम कर चुके हैं, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री से जुड़े हर इंसान में वो थॉट नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरी कलाकारों को हिंदी फिल्मों से एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में कहना चाहेंगे? इनफैक्ट बहुत सैड सा इंसिडेंट रहा अभी हाल ही में। I was attending some kind of award show, I would not like to name it, but एक थोड़ी सी जो हिचक है वो नज़र आती है जब पता चलता है कि वो भोजपुरी एक्ट्रेस है, तो कहीं हमारे अवार्ड्स शो को, एंड आई सीरियसली फेल्ट पिटी कि क्या हो रहा है, मतलब हमारी फिल्मों की स्टेटस को इतना दुय्यम दर्जा क्यों दिया जा रहा है। तो आई वुड से इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट हर एक से होना चाहिए। हमने जब शुरुआत की या हमने जब फिल्मों की फिल्में बनाने की कोशिश की तो हमने एंटरटेनमेंट भी दिया, लेकिन दूअर्थी बातों को उतना प्राधान्य नहीं दिया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न है, जबकि हिंदी फिल्में भी बनती है जिसमें आप देखेंगे अंग प्रदर्शन उसमें भी होता है, ऐसा नहीं होता है, और उसमें कोई गलत नहीं है। बेसिकली इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फील्ड वेयर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप सीन्स करते हैं, तो वो एक डायरेक्टर की एक विजन होती है और आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्टर की उस विजन को पूरा करते हैं। लेकिन भोजपुरी भाषा में सबसे ज़्यादा शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें एक दूअर्थी मतलब बहुत गलत तरीके से निकल के कहीं ना कहीं आता है। इसीलिए आज वहाँ रहने वाले ब्यूरोक्रेट लेवल देखेंगे या अच्छे फैमिलीज़ के लोग भी उसे कनेक्ट नहीं करना चाहते। तो ये हमारा अकेले का स्ट्रगल नहीं होगा, और मेरे लिए तो ऐसे हो गया था कि आई वॉज नॉट इवन अ भोजपुरी गर्ल, आई एम अ साउथ इंडियन। तो कहीं ना कहीं मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र में पली बड़ी ज़रूर हूँ लेकिन बिलोंग मैं कर्नाटक से करती हूँ। लेकिन वो एक आप जो लेबल बोलते हैं ना, उस तरीके से लेबल्ड किया गया है कहीं ना कहीं। सो आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन, बट आई वुड जस्ट से कि आर्टिस्ट को आप भाषाओं में या प्रांतों में नहीं बांट सकते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, वो आज मैं फिल्में कर रही हूँ तो वो मैं कन्नड़ भाषीय फिल्म भी की हूँ, मैं मराठी भी की हूँ, मैं पंजाबी भी की हूँ, मैंने गुजराती, मेरी जो फिल्म थी वो भी गुजराती में रिलीज़ हो चुकी है। तो मैं कहीं बटी हुई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे कोई मलाल नहीं होता है कि मैं भोजपुरी भाषा में काम करती हूँ। मैंने बहुत अच्छी फिल्में की है, और आप जितनी भी फिल्में देखोगे उसमें कोई भी आपको इस तरह का काम नज़र नहीं आएगा जिससे कोई शर्म महसूस हो। सो वाई शुड आई फील लेट डाउन, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि भोजपुरी भाषा की वजह से मेरी पहचान है। अगर मैं ये फील कर सकती हूँ तो वहाँ के लोग वहाँ होने के बावजूद भी उस चीज़ को अगर अपने हाथ में उठाएंगे नहीं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस अपने घर से शुरुआत होता है। अगर माता पिता को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बाहर भी उसी तरीके से लोग देखेंगे। सो अल्टीमेटली आपका जो प्यार दुलार होता है भाषा को, वो अपने घर से शुरुआत भी होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स। बाकी जो म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का म्यूजिक? अभी फिलहाल मैं ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिनके साथ में मैं काम कर रही हूँ उनके साथ में मैंने इतना काम किया है कि मुझे इन पर पूरा भरोसा है, और
मेरा ये कन्विक्शन है कि ये अच्छी फिल्में बनाते हैं और इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं. सो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि इन्होंने अच्छा म्यूज़िक बनाया है. और जब इनका नाम आता है तो मैं स्टोरी को लेके भी इतनी कंफ्यूज कभी होती नहीं हूँ. मुझे लगता है कि ओके मेरे लिए और सबके लिए बहुत अच्छा काम ही होगा. इसमें आज वाले कैसे कही तो से पैर हो गए फिर रिपीट वो टाइम पर हो गया पाकी जी के कैसे मैं उनका ऊपर कैसे कहानी लिखे सीन्स लिखे कैसे किया वो सब इतना फिल्म किया वो सब इसमें है. फिल्म में दो हीरो हैं किसके मुझे पाकी रहेंगे वो साउथ वाला का साथ में पाकी रहेगी. क्या बात है पाकी ये भी जानना चाहूंगा म्यूजिक वर्ल्ड को मैं भी सुन ही रही हूं सब चीजें. हां जी सॉरी पाकी जी अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जो आप प्यार करते हैं कमबैक कर रहे हैं ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी बहुत टाइम से मैं सिर्फ एक ही बात सुन रही हूँ कि क्यों आप फिल्में नहीं कर रही हैं. तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इस साल उनको मेरी 4 से 5 फिल्में दिखेंगी और सभी अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे ना कि प्रॉपर मेन लीड हीरोइन. बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे सिनेमा का ये दर्जा यहाँ से उठ कर कि हम एक रोमांटिक एंगल और इस तरीके की फिल्में ही बनाए इससे अलग कैरेक्टर्स आप अलग अलग रूप देखेंगे जिसमें ये मैं प्रेरित हूँ कहीं ना कहीं अमित जी जैसे पार्ट टाइप की फिल्में भी करते हैं और कहीं वो एक प्रॉपर लीड करने वाली फिल्में भी करते हैं. तो मुझे लगता है कि हमको सिनेमा के लेवल पे आज ये फिल्मों की ज़रूरत है जहाँ पर हम एक बहुत अलग सब्जेक्ट को लेकर काम करें ना कि सिर्फ रोमांटिक फिल्में बने. So I'm very happy कि मैं इस टाइप की फिल्में अब करने जा रही हूँ. सिनेमा में भी गाना गाया है हिंदी का एक गाना आपका है जो बहुत हिट कर रहा है तो क्या आप भोजपुरी में गाना गाएंगे? बिल्कुल अगर हमारे डायरेक्टर सर मेरी आवाज़ से कन्विंस होते हैं तो. हाल ही में तो आवाज़ बहुत बुरी है लेकिन गाना काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है उसका और ऑलमोस्ट 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में. सो आई फील हर फील्ड में जिस तरीके से ऑडियंस ने अपनाया है इसमें भी अपनाया है. सो मैं कोई ग्रेट सिंगर हूँ नहीं लेकिन उनको लगता है कि कुछ आवाज़ आपकी अलग है. सो अलगाव की वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. उनको थोड़ा सा इलारून वाला फील उसमें मतलब लगा था कि आवाज़ आपकी एक अलग आती है और वो काफ़ी अच्छी लगती है. तो हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये मतलब चाहत होती कि अच्छे अलग आवाज़ उनको मिले रादर देन अच्छी आवाज़. सो ये ऑफर मिला आपको क्या कहेंगे? जरूर अब सोचेंगे जरूर. आपने जब बोला है तो सोचेंगे जरूर सर. आपके सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी डॉटर भी काफी फेमस हो गई है टिकटॉक पे जी. उनका वो गाना भी आदमी के साथ अगर वो इंटरेस्ट शो करती हैं भोजपुरी फिल्म में काम करने का तो आप अलाउ करेंगे? मेरी तरफ से पूरी छूट है. मैंने कभी रीजन्स को बांधा नहीं है लैंग्वेज से. हम खुद भी साउथ इंडियन हैं तो भोजपुरी भी एक लैंग्वेज है मराठी भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर एनी प्रोग्रेस. मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे हिंदी फिल्में भी ऑफर हुई थी. देर वॉज सम रीज़न जिसके वजह से मैंने रीजनल लैंग्वेज चूज़ की थी और उसी ने मुझे आज जो पहचान दी है तो वाई नॉट. और टिकटॉक खुद इन इट सेल्फ भी अगर हम देखेंगे एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है. तो मैंने कोई उसे ना ये लालच दिखाया ना ये आमिष दिया है कि मैं बेटा तुमको इस तरीके से लॉन्च करूँगी या उस तरीके से लॉन्च करूँगी. आप लीजिए अपने बेबी स्टेप्स मेहनत कीजिए और अपने टैलेंट पे आगे बढ़िए क्योंकि थाली में परोस के अगर सब कुछ मिलेगा तो फिर उनको उस चीज़ की वैल्यूएशन नहीं होगी. तो मुझे लगता है कि एक लेवल पर आपको हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझदारी भी आ जाए लोगों से व्यवहार करने का तरीका भी पता चले और एक सम्मानीय लेवल पे सबसे बात करते हुए आप काम करना भी सीखें जो कि बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट या एज अ टेक्नीशियन जब आप किसी भी काम को करते हैं. कोई प्रोजेक्ट आपके आने वाले अभी जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिंदी फिल्म भी है और भोजपुरी के एक दो अच्छे सब्जेक्ट्स मुझे और भी ऑफर हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे किरदार हैं और एक टेंटेटिव फिल्म दिनेश जी की भी है जिस जो बातचीत चल रही है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग गुड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.